हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है। यहां पर आता हूं, यहां पर हम चलेंगे, यहां से एक ब्लैंक पेज ले लेंगे यानी एम्प्टी फाइल ले लेंगे। और ये एम्प्टी फाइल लेने के बाद यहां पर सबसे पहले मैं मेन फंक्शन बनाता हूं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे कि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सके किसी भी नंबर का, ठीक है। तो इंटीजर्स का परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट वाली वैल्यूज का नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले तो इंट टाइप का डेटा टाइप ले लेता हूं और एक मैं बना लेता हूं वेरिएबल जिसका नाम है नम, नम यानी नंबर, और कॉमा देता हूं। फिर दूसरा जो वेरिएबल है उसे मैं बना लेता हूं परसेंटेज, कितना परसेंटेज निकालना है कितने का, उसके लिए ये PER बना लिया मैंने, ठीक है। और तीसरा बना लेता हूं रिजल्ट, RES, रिजल्ट के लिए RES बना लिया हमने, बस हो गया काम। यहां पे दे देता हूं प्रिंट एफ, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने प्रिंट एफ, PRINT प्रिंट एफ, ठीक है। अब प्रिंट एफ लिखने के बाद यहां दे देता हूं एंटर द नंबर, ठीक है, ये दे दिया हमने। और अब यहां से इसे टर्मिनेट कर देता हूं, ये टर्मिनेट कर दिया। यहां पे लिख दिया जाए स्कैनफ, क्योंकि हम यूजर से एंटर करवाएंगे वो चीजें, तो यहां पे लिख दिया स्कैनफ। यहां पे दे दिया परसेंट डी, फिर यहां पर एक बार और हमें देना होगा परसेंट डी, क्योंकि परसेंट डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब जब आप इंटीजर लिखेंगे तो आपको परसेंट डी देना पड़ेगा स्कैनफ में, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर एड्रेस ऑफ दे देंगे, ये एंड नहीं है, ये एड्रेस ऑफ का सिंबल है, ठीक है। तो नम में वो वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और यहां पर कितना परसेंट निकालना है वो पर में जाके स्टोर हो जाएगी, यानी PER में जाके स्टोर हो जाएगी। एड्रेस ऑफ सिंबल छूट गया तो इसको दे देते हैं, तो ये एड्रेस ऑफ कर लीजिए। और एड्रेस ऑफ करने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे। अब हमें इसे डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए यहां पे लिखेंगे रेस, क्योंकि रेस यानी रिजल्ट में ही जाके ये स्टोर होगा। तो रेस इज इक्वल टू कर देते हैं हम यहां पर नम इनटू पर अपॉन 100, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, और ये करने के बाद इसको टर्मिनेट कर दीजिए। टर्मिनेट करने के बाद एंटर करके नीचे आइए, यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए। अब बस प्रिंट एफ लिख करके उसको प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ लिखते हैं परसेंट डी इज द रिजल्ट, ये केवल लिख देता हूँ मैं, परसेंट डी इज द रिजल्ट। आपको जो लिखना है लाइक परसेंटेज भी दे सकते हैं, परसेंट डी इज द परसेंटेज, या इस तरह की चीजें दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके किस में स्टोर होगा? RES में जाके स्टोर होगा, तो ये RES लिख देते हैं। और यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करके और फिर अब यहाँ से इसको कंपाइल करवाते हैं, तो प्रोग्राम तो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो ही जाएगा। और फिर यहाँ से इसको रन करवा देते हैं, तो रन करवाने पे यहाँ पे आ रहा है एंटर अ नंबर। तो नंबर एंटर करते हैं, तो हमने 500 एंटर कर दिया सपोज कीजिए, तो 500 का 5% कितना होगा? यहाँ 5 लिखा तो ये 5% है, तो 25 यहाँ पे आंसर में आ रहा है, यानी कि 25 इज द रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह से 100 का परसेंटेज निकालते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे इसको रन करवा लेते हैं, ये कंपाइल करवाया और फिर इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ से रन करवाएंगे तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है नंबर। तो जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कि 10 का 5% कितना होगा, या 10 का 10% कितना होगा, तो 10 का यहाँ पे 10% निकालता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 10 का 10% 1 आता है, यहाँ पे आंसर में आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।